कुछ दिन पहले मेरा एक व्यूअर फेसबुक में एक सवाल किया था कि BS4 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 में हम RPM कैसे सेट करें, तो उसी का प्रोसेस आज हम दिखाएंगे। पहले तो आप आइडियल RPM कितना होना चाहिए BS4 सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट में वो सुनते रहिए, उसी के साथ हम दिखाएंगे कि कहां से कैसे आप RPM को एक्सटर्नली सेट कर सकते हैं। एक तो आप कंप्लीट मैकेनिकली टैकोमीटर से, मतलब कि एक्सटर्नल RPM मीटर से RPM को सेट कर सकते हैं। अगर आप उस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आइडियल RPM कितना होना चाहिए उसका साउंड सुनिए मेरे वीडियो में और उसके हिसाब से अपना RPM सेट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक कट लगा है, यहाँ से आप एक स्क्रू ड्राइवर डालेंगे, माइनस हेड स्क्रू ड्राइवर, और जहाँ पे हम दिखा रहे हैं इस स्क्रू को एडजस्ट करके, बहुत ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है आपको, एडजस्ट करके आप आइडियल RPM को सेट कर सकते हैं। पर RPM सेट करने से पहले बहुत देर तक आपको ये स्कूटर चलाना होगा, इंजन कम्प्लीट वार्म हो जाने के बाद, पूरा फ्यूल सिस्टम एयर फ्लो सिस्टम कंप्लीटली फंक्शनल हो जाने के बाद ही आप RPM को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। इसलिए RPM सेट करने से पहले व्हीकल को लेके बहुत देर तक घूमिए या राइड पे निकल जाइए, उसके बाद आके RPM सेट करने की कोशिश कीजिए। एरो के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस स्क्रू को एडजस्ट करने से आप RPM को एडजस्ट कर सकते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चंदन टॉक्स।